सारे यूट्यूबर से आपको मिलवाता हूँ और इनकी इनकम पूछता हूँ। ईशा पूछ रही मत इनकम टैक्स वाले आ जाएंगे। 1 लाख पर डे। मेरे को बस सचिन भाई का स्टूडियो देखना और किसी का नहीं देखना। $2600 पिछले 28 दिन में 8×5=40,000 रुपए। हाउस वाइफ होके 40,000 रुपए कमाना बहुत बड़ी बात है। सही में? हाँ। ये आपने बहुत सही बोला। तो गाइज नया ब्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। अब मैं आपको सारे यूट्यूबरों से मिलवाता हूँ। यहाँ पे आवाज आ रही है, थोड़ा बाहर जाता हूँ। तो गाइज अब मैं सारे यूट्यूबरों से आपको मिलवाता हूँ और इनकी इनकम पूछता हूँ। मैं नहीं बताऊंगा, मेरे बहुत कम है। नहीं तो अंदाजा देना, पूरा थोड़ी सच्चाई बतानी है। तो सबसे पहले रुद्र भाई, इतनी इनकम है कि आप महीने का खाना पीना खा के 1 रुपए नहीं बचेगा आपको। मतलब 1 लाख रुपए आ जाता है। बाप रे बाप, 1 लाख तो देखो जमाना हो गया मुझे। आप रह रहे तो पटना से स्कॉर्पियो से आए हो। अरे वो 40,000 रुपए EMI जा रही है स्कॉर्पियो की। नहीं नहीं भाई, लोन ले रखा है बैंक से, दो नहीं रहा हूँ अभी, NPA में चल रहा हूँ। तो रुद्र भाई की आपने इनकम जान ली 1 लाख रुपए। अब चलते हैं दूसरे यूट्यूबर के पास। तो ऊपर चलते हैं, ऊपर भाई। हम लोग गाना रिकॉर्ड किया कि नहीं किया? गाना कौन सा क्या गा रहे थे फिर से? अपने लवर को धोखा। हाँ गाओ 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 वंस मोर। अपने लवर को धोखा दो, बाकी किसी को कभी ना मौका। ये चेंज हो गए ना। तो मैं आप सबसे एक चीज़ पूछना चाह रहा हूँ। ये मेरे जो फैमिली है यूट्यूब फैमिली, वो सब जानना चाह रही है कि यूट्यूबर्स कितना पैसा कमाते हैं। आपको एग्जैक्ट नहीं बताना, ना स्टूडियो दिखाना। मेरे को बस सचिन भाई का स्टूडियो देखना और किसी का नहीं देखना। अरे मैं मजाक कर रहा हूँ। ना ना ना, 10 लाख दिन के मिस्टर एंड मिसेस राज। एक दिन के 10 लाख $2600 पिछले 28 दिन में। अरे यार सच्चाई नहीं बोलनी ना, ये मैं एडिट कर दूंगा। 2600 की जगह 2400 बुलवा दूंगा। तो भाई की आती है 1 महीने में $2600, और ज्यादा भी आ सकती है, कम भी आ सकती है। आप अंदाजा बता दो। लेकिन वो कौन सा डॉलर है? $1500 $1500 मतलब कौन सा डॉलर है वो नहीं बताऊंगा। हैं? मेरा कौन सा डॉलर है ये नहीं बताऊंगा। $1500 US डॉलर आपका? मेरा तो कम ही है। नहीं बोलो ना। $500 कम है। 8×5=40,000 रुपए। 40,000 आप कम कह रहे हो। देखो एक लाखों वाले लोग, देखो एक हाउस वाइफ होके 40,000 रुपए कमाना बहुत बड़ी बात है। सही में? हाँ। ये आपने बहुत सही बोला। हाँ। पर जितना काम ये करती है ना, उतना सबके बस की बात नहीं। पति को 40,000 टेंशन जो देती है वो, एक हाउस वाइफ होके वो घर संभालती है, वो तो हर पति नहीं देती भाई। हाँ, कंबल में घुसी रहती है। कोई नहीं घुसी रहती है इतने टाइम तक, तो 1760 कपड़े धोके डाल देती है। 1760 ये बस 1760 और एक और नंबर, दो नंबर तो आपको अच्छे से बोलना आता है। कितने बजे उठते हो सो के? जबलपुरिया भाषा। तो धन्यवाद। और चैनल का नाम बोल देना आप। भोपाल की बहू भोपाली 1760 नीतू, और एम से स्टार्ट होता ना वो इंस्टाग्राम पे मेहना नीतू। तो मेरा मैंने यूट्यूब पे देखा था नीतू मेहना। वो भोपाल आए होंगे नीतू मेहना। नीतू कितने चैनल है आपके? मेरा एक ही चैनल है, मैं नहीं कर सकती हूं। नीतू ने एक है आंखों में। हां हेलो, आप काजल लगा। एक चीज पूछनी है आपसे। पूछिए। यूट्यूब की इनकम कितनी है आपकी पिछले महीने की? जितना आप सोच नहीं सकते। मेरी तो इतनी है जितना आप सोच नहीं सकते। नहीं सबने बताया, अंदाजा बताना, पूरी थोड़ी बतानी है। मेरी है 8 लाख रुपए महीना। छापा मारो इनके घर में। और आपकी? आपकी मेरी अप्रोक्स 1200-1300 लाख। $1200 इतने मेरे नहीं बन रहे यार। ये है हमारे पंकज पासवान जी। पासवान पासवान प्रसून। कल आपने पारासून बोला ना, तो वो याद है मेरे को। प्रसून आपकी कितनी इनकम है? बस उनसे आधी है। उनसे आधी मतलब $1100। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। 2-4 लाख आ जाते हैं महीने में, और क्या चाहिए? बस और क्या चाहिए यार, मजाक नहीं, सच बता रहा हूँ मैं, सच। अरे यार सच में। तो अब मिलते हैं हम सर, आप अपनी इनकम बता दो और चैनल का नाम बता दो, लोग सर्च करेंगे। हमारे चैनल का नाम है दीपक जैसा ब्लॉग। और क्या इनकम? इनकम पिछले महीने कितनी होती है? अभी इनकम नहीं हो। भाई का चैनल मोनिटाइज करो जल्दी, मोनिटाइज तो होगा।
इनकम अभी तक आई नहीं एक भी, $200 हाँ तो ये पूछ रहा हूँ अंदाजा बस एग्जैक्ट। मैं स्टूडियो थोड़ी देख रहा हूँ आपका, अब ये थोड़ी है कि छोटी काली काली सॉन्ग डाला और सीधा पैसा आ गया। हेलो ये 80,000 खर्च करके 40 में तो आएंगे, जाएंगी भी तो आने जाने का 40,000। अब आई अर्जेंट में, वो जाना आराम से तो 20,000 बचेगा। और हमारे सनातन भाई अर्निंग पूछनी है आपकी, तो चलो मैंने अंदाजा बताना, एग्जैक्ट नहीं बताना कि हाँ इतनी आ जाती है ताकि लोग और यूट्यूब पे आए। मेरे भी चैनल का नाम BMW खरीद सकते हैं हर महीने। भैया नौकरी मिल जाएगी एकदम एकदम रहिए साथ में, मुझे ऐसे भी एक चाहिए था वीडियो। आपकी इनकम नहीं है, चैनल मोनेटाइज है, तो वीडियो बनाया करो ना, चार दिन में एक ब्लॉग डालते हैं। नहीं पर डे डाल रहे हैं, कंटिन्यू डाल रहे हैं, अभी तो कंटेंट है। नहीं इसके पहले से डाल इसके पहले दो महीने से डाल रहे हैं, आ जाएगा बहुत। चैनल का नाम बता दीजिए, बताओ आप बताओ मेरे को क्या पता। मेरा चैनल का नाम है आरती शरारती ब्लॉग, आरती शरारती काफी शरारती नाम मैच हो रहा है आपका। हमारे ऋतिक भाई कितनी इनकम हो जाती है? 1 करोड़ में बात करेंगे भाई, प्लॉट भेजेंगे 7 करोड़ आ गया है, बीघा खेत है अपने भाई। नहीं हरियाणा में होता है 100-100 बीघा होता है लोगों के पास, मेरा 1 बीघा था मेरी दादी ने बेच दिया। हाँ जी सर आप अपने चैनल का नाम बता दो, आर्यन डांस ब्लॉग। अच्छा कितनी इनकम आ जाती है? इनकम मत पूछिए, एग्जैक्ट मत बताओ अंदाजा, पॉकेट खर्चा निकल जाते हैं। मेरी तो बिल्कुल भी नहीं आ रही, मैं फिर भी 30,000-40,000 बता देता हूँ ताकि लोगों को लगे हाँ मैं यूट्यूबर हूँ। पॉकेट खर्चा निकल जाती है बस, पॉकेट खर्चा निकल जाता है। कितना फिर भी अंदाजा, पैसे खर्च हो जाते हैं 40,000 रुपए महीना पॉकेट खर्चा यूट्यूबर हो तो निकल जाता है पॉकेट खर्च, और मेरा सारा पॉकेट खर्च लग जाता है। अभी इसका पहला 40,000 रुपया वेस्ट करके आए हैं। अच्छा आप बताओ अंदाजा, बोला तो पॉकेट खर्चा निकल जाता है, तो आपका पॉकेट कितना बड़ा है वो हमें नहीं पता। डाल के देखो ना भैया, 40,000 बोलना बंद कीजिए, पिछले बार 60,000 खर्च करके बैंगलोर गए थे। 60,000 जिसमें 40,000 नाम रखा हूँ, 40 को ऐड कर लो, अब 1 लाख निकलेगा, यहीं से निकलेगा। सही बात, मैं पूछूंगा नहीं आप अपने आप बता दो। पर डे नहीं 1 लाख रुपए पर डे, ओ हो वेरी गुड सर, इतनी निकल जाते हैं कि ब्रश खरीद नहीं पा रहा हूँ। कोई बात नहीं भाई को सब्सक्राइब करो, वीडियो जाके देखो, अगली बार भाई का भरोसा आ जाएगा। चैनल का नाम बता दो आप, मिस्टी डॉट मिट्टू, मिस्टी एक मिस्टू मिस्टी नीचे है, नीचे है एक ऊपर है। अच्छा दोनों अलग, कॉपीराइट नहीं आया नाम में। अच्छा उधर उधर मिस्टी उसे। अच्छा हेलो हेलो भाभी नमस्ते, आपका भी चैनल है? नहीं गुड मॉर्निंग मॉर्निंग है, अच्छा ओ हो समझ गया, हाँ भाभी नमस्ते। बावन कट्ठे वाले वो कहाँ गए, धूले राजा भी यहीं खड़े थे बाथरूम में, कोई है? आवाज नहीं आई, बाहर चलते हैं। धूले राजा का हेलो, सिलेंडर खाली हुआ, मैं यूट्यूबर ही नहीं हूँ, जीरो यूट्यूबर, मोए 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 मोए, मैं तो यूट्यूबर ही नहीं हूँ। आप अभी तो ब्लॉग बना रहे थे, झूठ बोल रहे हैं। मतलब प्रीति शुक्ला करके, कितने सब्सक्राइबर है? 9,000। अरे 9,000 कह रही यूट्यूबर नहीं है, 1,000 के बाद आदमी यूट्यूबर बन जाता है। इंस्टा पे कितने? 3.5 लाख। मेरा नहीं हुआ आज तक कुछ भी, नहीं सच में मेरा नहीं हुआ, थोड़ी आता पैसा आता है। हाँ पैसा यूट्यूब से भी आता है थोड़ा बहुत, वो तो प्रमोशन आता है। अच्छा यूट्यूब से कितना आता है? अभी नहीं आया, नहीं मैं तो शॉर्ट्स डालती हूं, शॉर्ट्स का तो आता होगा। नहीं पिछले मैंने बंद कर रखा है, मैं डालती नहीं हूं। कोई बात नहीं आप डालो, अर्निंग आएगी, पहले मेरा मेंशन कर देना उसके बाद। नहीं सबका दिखाऊंगा सबका, मेरा भी दिखा देना भैया। बताओ चैनल का नाम बता दो, इंडियन यूट्यूबर शारिका, इंडियन यूट्यूबर शारिका। हम कहां से आए?
आप कहाँ से आए? नहीं आप इंडियन हो, हम कहाँ से आए? नहीं नहीं, मेरे चैनल का नाम है शारिका, तो इसमें मेंशन है। कितने सब्सक्राइबर हैं? मेरे 62K के हैं। अर्निंग? अर्निंग होती है, अंदाजा बताना पूरा एग्जैक्ट। आपका यूट्यूब स्टूडियो थोड़ी खींच लिया मैंने, मतलब कितनी लास्ट महीने कितनी आई थी? वेरी गुड, 20,000। हेलो, इंसान केवल पैसा पकड़ता है, केवल पैसा, ये घूम घूम के सारे यूट्यूबरों के पास केवल पैसे की बात कर रहा है। नहीं देखो, एक यूट्यूबर है जो सारे यूट्यूबर्स का डॉलर बना के डालने वाला, सब गलत बताएंगे, मत देखना। बताओ यार इस आदमी को। नहीं आप ये सब छोड़ो, वो तो मैं हूँ, वो तो मैं हूँ, मेरे को जानना है कि मैं ही कम कमा रहा हूँ या मेरे से भी कोई कम है। हाँ तो क्या बताएं कि आपकी सब्सक्राइबर कितने हैं, अर्निंग कितनी है? मेरे सब्सक्राइबर हैं एक चैनल पे 18.5 लाख। अच्छा, 18,60,000 सब्सक्राइबर। दूसरे चैनल पे 4,07,000 सब्सक्राइबर। सृष्टि आयुष के नाम से चैनल है। हाँ, और दूसरा चैनल तेजस सिंह ऑफिशियल के नाम। तीन चैनल है आपके? दो चैनल है। दो चैनल है, दोनों चैनल से अर्निंग आ रही है? दोनों चैनल भयंकर पैसे दबा के कमा रही हूँ। तभी लिवाइस के कपड़े पहने हैं। मैं लेके आया था 150 रुपए की शर्ट, ये वाली 350 की, 500 रुपए में खुश। तो स्पेलिंग शायद ठीक से देखो, सारे काक मिस्टेक ना हो लिवाइस के चलने। मैंने खरीदा नहीं ना, तो मुझे स्पेलिंग भी नहीं पता। अच्छा। कितनी अर्निंग आ जाती है महीने में? अंदाजा 3 करोड़ तो कमाई लेते हैं। अरे मजाक नहीं, अंदाजा अंदाजा। अरे देखिए YouTube पे तो अर्निंग आप कोई भी नहीं बता सकता, अप डाउन होती रहती है, अप डाउन हो जाती है। हाँ, पर लाख तो टच कर ही लेते हैं। वेरी गुड, 1,00,000 रुपए पर डे। वेरी गुड, तो अब चलते हैं। आप लोगों ने जान लिया होगा कौन कितना पैसा कमा रहा है, सबका आ रहा है, मेरा कहाँ जा रहा है। अब चलते हैं और है। हेलो सर, कॉन्ग्रेचुलेशन, आपकी शादी हुई, आपका रिसेप्शन हुआ, फिर होगा? आज नहीं होगा। हाँ, आज फिर होगा। भाई हो तो ऐसा फिर करेंगे, ऐसी शादी की कि 4 बार रिसेप्शन ही कर रही है। नहीं, अच्छी रिंग एनिवर्सरी 1 महीने के बाद फिर होगा। फिर से एक मंथ पास तो ऐसा फिर भाभी बहुत नहीं नहीं वहां से कुछ नहीं बहुत किया। हेलो भाभी जी, नमस्ते। आपका अलग चैनल है और आपका अलग? नहीं, आप दोनों एक वाला, मेरा एक है। अच्छा, इसका मैं कुछ बनाती नहीं है, इसी पड़ा है। तो मेरे को बस अर्निंग अंदाजा पूछना है कि कितनी आती है आपकी, क्योंकि मेरे को आपका शादी वाला तो पता चल गया था कितना कमाया था आपने। पिछले महीने का अंदाजा बता दो, इतना आया था पूरा? पिछला ही बता दो ना बस। आप इतना समझ लीजिए कि जितना शादी, 1 क्विड हर मंथ खरीदाएगा। 1 क्विड? हाँ। अब उतना नहीं जानते। नहीं, मैं खरीदने गया था, वही वाला। नहीं, 5 लाख हो गया, 5 लाख से कम क्या ही गाड़ी आती है, बहुत बढ़िया। और अंदाजा मैं बता दूं, इतनी बड़ी किचन है, अब आप अंदाजा लगा लो कितनी सैलरी होगी, इतनी बड़ी किचन है। तो अंदाजा लगा लो, आप रूम तो आई जाएंगे छोटे छोटे, दो है, दो रूम तो आई छोटे में हम लोग रहते थे, 3 साल है भाई। हाँ, नोएडा में रहते थे, इससे भी छोटा था। हाँ सही बात है, बाथरूम भी बहुत। एक बार तो आप लोगों ने लेकिन जल्दी शिफ्ट होकर तुरंत निकल गए थे ना नोएडा में, बहुत सैलरी, रूम रेंट बहुत ज्यादा है। नहीं वो तो बोलना पड़ता है, बोलना पड़ता है। नहीं वहाँ पे हमें अच्छा ही लग रहा था, बोलना पड़ा कि सैलरी बहुत ज्यादा है। हेलो, हेलो, आप अपने चैनल का नाम बता दो एक बार। हमारे चैनल का नाम है वंदना एंड किट्टो ब्लॉग। देखो कितनी जल्दी बताया, अब एक क्वेश्चन और पूछूंगा नहीं बताएंगे। हाँ। पिछले महीने कितनी सैलरी आई थी? मेरी सैलरी तो भाई देखो पहले 5 नहीं घुमा के थोड़ी बोलना है, जैसे मैंने चैनल का नाम बोला आपने सीधा बता। मेरी सच बताओ 5 लाख रुपए महीना, 24,000 रुपए आए हैं। एक दिन का? नहीं नहीं एक महीने का। एक महीने का, एक महीने का ही हालत। नहीं ये देखो ना, अगर हाउस वाइफ वीडियो इतनी पोजीशन गिरा है आपको पता नहीं, 312 हाउस वाइफ होके YouTube पर आके 24,000-40,000 कमाना बहुत बड़ी बात है, और ऐसी आगे बढ़ते रहो। 12,000 की नौकरी करते हैं मेरा भाई, तो क्या हो गया, कर देंगे इंसान कर देगा, ऊपर वाले तो साथ है। सही बात है, रुक जा भाई, सबका तो ले लिए, अब जरा आप दोनों अपना बताओ। चलो अब मैं YouTube स्टूडियो दिखा दूंगा। नहीं नहीं बोले बताओ ना भाई, ऐसे नहीं बताओ ना भाई, जरा हम भी जाने हैं, बताओ। दीपक भाई आ गए, ईमानदारी से दीपक भाई, चलो बड़े सुनिए, दीपक भाई आ गए। मैं हूं
नहीं यूट्यूबर नहीं है, फेसबुक है, फेसबुक से छाप वो छाप सिर्फ पता है कितना एक पान आ जाता है डेली का आप भी स्विफ्ट खरीद सकते हो बस आप शादी कीजिए उसमें हम स्विफ्ट लेके आएंगे। तो गाइस मेरी अपनी बहुत कम है अब चलते हैं। अरे सर रह गए। हेलो सर, गुड मॉर्निंग भाई। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आप चैनल का नाम बता दो। मेरा डीके वंदना। डीके वंदना। उनका अलग है मेरा अलग है। आपकी अर्निंग कितनी आती है यूट्यूब से? अर्निंग कुछ नहीं है, तो बस टाइम पास। कुछ तो आता होगा। टाइम पास है। कुछ तो आता होगा। हजार दो हजार मौज से आता है। नहीं पैसे अर्निंग पूछ रहा हूँ। मौज से आते हैं। मौज कितने? मौज से हफ्ते के आते हैं 1000-1200। वो रिवेन्यू व्यूज के वॉलेट में ना। हाँ चलो सही है। इंस्टा से भी आता था लेकिन वो बंद हो गया इंस्टा से। चलो मैं तो ये कह रहा था कि जो हाउसवाइफ है अपने में आधे से ज्यादा हाउसवाइफ है, घर पे रह के वीडियोस बनाना और नौकरी करने से बढ़िया है। मैंने कितना काटा है ये भी बनाता है और क्या। कितने सब्सक्राइबर? नौकरी जैसे पार्ट टाइम हो गया। 70,000 सब्सक्राइबर। 70,000 मेरे भी नहीं है इतने। इनकम कितनी आती है बेटा बता दो बाबू। कितनी इतनी की दूध आ जाता है? 890। 890 इनका। 890 रुपए दो दिन को। 890 रुपए। ऐसा कौन सा दूध पीता भाई? मैंने नाम पहली बार सुना। हमारे यहाँ अमूल 32 रुपए की थैली। 33 हमारे यहाँ 32 की अभी। भाई नया मॉडल आया 9 प्रो पीने वाला। वेरी गुड। ये चलो अब अंदर चलते हैं, नीचे चलते हैं। मैं एक घंटे से ढूंढ रहा था आपको। एक चीज पूछनी है आपसे, एक चीज पूछनी है आपसे। वैसे मेरे को आपके बारे में पता लग गया है, बता दिया मेरे को आपके बारे में। मेरे को एक चीज पूछनी है। एक तो पहले आप अपने चैनल का नाम बता दो। अमित एंड किट्टो जायसवाल। वैसे भाभी ने बता दिया मेरे को, आपसे फिर भी पूछ लेता हूँ। अर्निंग कितनी है? अर्निंग कहाँ है भाई, क्या बोलते हैं? उन्होंने बता दी, भाभी ने बता दिया। 3000 रुपए आता महीने का। हम अर्निंग ले नहीं कमाते भाई। मतलब भाभी ने तो कुछ और ही बताया। भाभी कह रही मैं डिजाइन वो गाड़ी जितने आए ना यहाँ पे सबसे कम मेरी इनकम है। भाभी ने बोला फॉर्च्यूनर हर महीने खरीद सकती हूँ मैं, इतनी अर्निंग आती नहीं है। यार गलत बोल नहीं उन्होंने। मैंने कहा मेरा मैं कैसे मानूं, तो उन्होंने बोला उनके भैया की। अभी तो मैं उसको जैगुआर के लिए बोल रहा था भाई। उन्होंने बोला कि भैया की दोनों हाथ की अंगूठियां देख लो इतना पैसा आता है। तो आप चलो नीचे चलते हैं। हेलो आप जो भी रह गए, आप यूट्यूब पे वीडियोस बनाते हो? हाँ। कितने सब्सक्राइबर है? मेरा अभी 60,000। 60,000। अर्निंग कितनी आई है अभी? तो आती है बहुत कम। कितनी अंदाजा बता दो। 10,000। वेरी गुड। पढ़ती भी हो आप? हाँ। पढ़ने के साथ साथ पैसे कमा रहे हो? $10,000। मालकिन हमको काम पे रख लो। मैं आपका ही वीडियो देखती हूँ, बहुत अच्छा लगता है। अरे थैंक यू थैंक यू। हमारी अर्निंग नहीं आती, हम गरीब यूट्यूबर। हेलो आप भी बनाते हो व्लॉग? चैनल का नाम बता दो। misty.mithu। मिस्टी। अच्छा आप अभी वहीं बैठे थे। ओह सॉरी कट। हेलो आ जाओ। आप वीडियोस बनाते हो यूट्यूब पे? हाँ। हमारी साली है। नहीं मैं सिर्फ इंस्टा पे। इंस्टा पे कितनी अर्निंग हो जाती है महीने में? कुछ भी नहीं। नहीं कुछ तो आता होगा। कुछ नहीं आता। कितने सब्सक्राइबर हैं आपके फॉलोवर? 2,500। वेरी गुड। मेहनत करो, 2,500 हो गए। के भी लग जाएगा, के भी लग जाएगा। आपकी कितनी अर्निंग है और चैनल का नाम बता दो। मैम सुच्ची प्रदीप मेरे चैनल का नाम है। अर्निंग मैंने ऊपर बता दिया था। बता दिया था सुच्ची प्रदीप कट। अमित भाई गुड मॉर्निंग। नशा कल कर लिया। अच्छा एक चीज पूछनी है आपसे, सारे यूट्यूबरों से पूछ ली मैंने, बस आपसे पूछनी है। एक तो आप अपने चैनल का नाम बता दो। अमित मिश्रा ऑफिशियल। अर्निंग 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 कैसे बता? अंदाजा बता दो, मैं ये थोड़ी कह रहा हूँ 4,00,000 बतानी है। अरे नहीं नहीं आईफोन मुझे
मतलब अर्निंग तरीका होता है ना बताने का, महीने में कितनी आ जाती है खर्चा निकल जाए तो अंदाजा बता दो। तभी 2-3 लाख 3 लाख आप शॉर्ट्स डालते हो? नहीं लॉन्ग भी डालता हूँ शॉर्ट्स। हाँ पहले लॉन्ग डालते हमारा यूट्यूब पे शॉर्ट्स रहता है और फेसबुक पे रहता है अपना लॉन्ग। दो चैनल हैं मेरे। आप हीरो बनते हो ये विलन बनते हो और ये लगते भी हैं सकल से। लगते हैं लेकिन हीरो है भाई मेरे। iPhone 15 Pro N के पास समझ जाओ अब रेंज रोवर है और एक अच्छा सा बंगला है तो गाड़ी सो सकते हो। गाड़ी हमारी देख लो ना उन्हें ये सेट है। सोच सकते हो आप कितनी इनकम आती होगी पहले इसी से लगा सकते हो आइडिया। नहीं गाड़ी पे मत जाइए कहेंगे इंसान कमाते ही नहीं है। नहीं नहीं बहुत अच्छा कर रहे हो बढ़िया ऐसे ही करते रहो बहुत बढ़िया वीडियो है देखता हूँ मैं आपकी। थैंक यू आप भी तो करते कौन से वीडियो ना। तो गाइज सबका बता चुका हूँ दो जने रह गए हैं बस। आंटी जी से मैं पूछूं बोले। अरे ओहो 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 आंटी जी नमस्ते खूब खुश रहिए एकदम खूब ऊंचाई पे जाइए आप भी। आप तो आप लोग आगे जाएंगे तो हम तो ऑलरेडी चल जाएंगे। मेरे को आपसे दो चीज पूछनी है। जब माँ बोल रहे हैं तो माँ तो ऑलरेडी ही ऊंचा होती है। मैंने अपनी मम्मी का भी चैनल बनाया था आपको देख के। ठीक है बहुत अच्छा। जिस दिन चैनल बनाया सिर्फ उसी दिन वीडियो डाली उस दिन के बाद से नहीं डाली मम्मी ने। तो हमने तो मेहनत कर लेते हैं हम तो डाल लेते हैं। तो यही मेरे को पूछना है एक तो आप चैनल का नाम बता दो। मेरा नाम तो प्रिंस के साथ है। हाँ चैनल का नाम। हाँ और एक है प्रिंस राज एंड मॉम की जोड़ी तो उसी में हम लोग का ब्लॉगिंग आता है। अर्निंग कितनी आता है? अच्छा मतलब आप जो कमाती हैं वो अंकल जी के अकाउंट में जाते हैं। अंकल जी नमस्ते। अंदाजा बता दो अंकल जी पूरा मत बताना अंदाजा बता दो। अंदाजा उतना आ जाता है जितना से सब काम चले। सब ने यही डायलॉग मारा है कोई काम बाकी नहीं जाता है। अच्छा मतलब 1 लाख आ जाता होगा महीने का। संतुष्टि है। वेरी गुड। हाउसवाइफ होके 50-60 हज़ार में महीने कमाना बहुत बड़ी बात है अंकल जी और बहुत अच्छा कर रहे हो। हमने अंकल जी के साथ बहुत पहले से हम कमाते हैं। अच्छा हम अपना हॉस्टल चलाते थे 70-80 बच्चे रखते थे। अच्छा और हम वार्डन के इनकम टैक्स मेरा पे ही है अब इतने से आप समझ जाइए। 3 बच्चे को हॉस्टल में रख के पढ़ाए 5 लाख रुपए डे का आता है। दोनों जन का कमाई मम्मी जी 5 लाख रुपए दिन का कमाती हैं बहुत पैसा छापा मारो। नहीं इनकम टैक्स भर रखा है फिर कहाँ छापा लगेगा। तो भाई कल तो मैं भी जाके कल से मैं भी जाके मम्मी का करवाता हूँ चैनल। मम्मी आप भी कमाओ। आपका अलग चैनल है ना? नहीं तो दो ही चैनल है दोनों लोग काम करते हैं। नहीं दो चैनल है एक आपका एक नहीं उसमें आपका मेरा क्या है दोनों लोग बनाते हैं दोनों पे। आपकी कितनी अर्निंग आती है? मेरी तो कभी आती नहीं आती। कभी आती कभी नहीं आती यही स्वाति का हाल है। सेकंड चैनल में हमारा कभी आता है कभी नहीं आता। अच्छा एक पे तो आता होगा एक पे एक पे अच्छा एक पे हाँ एक पे 30-40 हज़ार आ जाता है महीने का इसी के आसपास। हाँ वेरी गुड। दिन का नहीं महीने का साल का। तो लास्ट रह गए हमारे राजू कतली यही हाँ मिस्टू एंड मिस्टी ब्लॉग मिस्टू एंड मिस्टी ब्लॉग। नमस्कार और अब बता दो ईमानदारी से। मैं भी वही डायलॉग मारूंगा चल जाता है काम चल जाता है दाल रोटी के कमी हाँ काम चल जाता है। ये आईपैड एप्पल वाला है? हाँ एप्पल का एप्पल का आईपैड है आपके पास और मेरा चल रहा है आईफोन 12 प्रो मैक्स वो भी सेकंड हैंड उससे काम चला रहा हूँ मैं। अच्छा ईमानदारी से कितना आता है एवरेज? कोई फिक्स थोड़ी है तुम भी जो जानते हो। नहीं हाँ तो 1 लाख थोड़ी बोलना है अंदाजा बोल दो। वही 50-60 हज़ार महीने का। वेरी गुड। तो गाइज मैं दिख रहा हूँ स्वाति। तो गाइज मैंने आप सबको अब आप बताओ आपका नहीं बता रहा हूँ मैंने आप सबको सारे यूट्यूबरों से मिलवा दिया है सबकी। अरे पैंट खिसक रही है। हाँ तो गाइज मैंने आपको सारे यूट्यूबरों से मिलवा दिया है सबकी अर्निंग बता दी है और रही बात मेरी मेरा नहीं आ रहा कुछ भी। मैं उधार मांग के आया हूँ यहाँ पे। मैंने बोला मैं वहां जाऊंगा वीडियो बनाऊंगा वीडियो से पैसा आएगा फिर आपका उधार वापस कर दूंगा। अपना यही है उधार मांग के खर्चा चल रहा है। तो आपको अर्निंग बता दिया मतलब जितने भी यूट्यूबर हैं 50,000 एवरेज मान के चलो अगर एक हाउसवाइफ भी काम कर रही है तो 25,000
वो आराम से कमा सकती है। तो आप लोग भी मेहनत करो, काम करो, वीडियोस बनाओ और बहुत सारा पैसा कमाओ, अपने पति का हाथ बटाओ। अगर मेरी भाभी खुद बनाती हैं, उनकी भी 15-20 हज़ार रुपये आ जाती है, और मेरे भाई नौकरी करता, तो सही है, हाउस वाइफ रह के काम कर सकते हैं, सारे पैसे कमा सकते हैं, आप लोग भी कमाओ। तो बस ये था आज का ब्लॉग, इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। कैसा लगा ब्लॉग, लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लव यू ऑल। और अगला जो ब्लॉग आएगा वो सारे यूट्यूबरों का रिएक्शन आएगा, ठीक है, बाद में, नेक्स्ट।